श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, या धन की हो, या आपके शरीर की हो, या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे, तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात ये है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे, लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने ही हैं, मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं, इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं, और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं, इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहां कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराए की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेके गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न कोई माता होता है न कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में
तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है, वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है, इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं, इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है, या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है, हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूं, इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा, और ये पारस पत्थर मैं तुझे एक महीने के लिए दे रहा हूं। जब एक महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पत्थर वापस ले लूंगा, तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वो रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा, थोड़े दिन रुक के ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूं। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, मुझे मेरा वो पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ये पारस पत्थर पूरा एक महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है, एक दिन जिंदगी को जी लेंगे,
एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहां पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पे ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहां इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूं, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुंचे। वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहां पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहां पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हों, उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है, इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान है, मोह किससे मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ,
और जो नहीं करना चाहता हूं वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूं, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत आसान काम है। वो अपने राजमहल में आया और राजसभा में वो सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे, वो जितना कहेगा उससे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फलां व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा, जिसके चेहरे पे एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूं। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वो महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे किसी चीज की लालच नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की ये बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है, मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर की चीज है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नर्क का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये तीन अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करना और क्रोधी स्वभाव होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नर्क का द्वार इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है,
उसको मरने के बाद नहीं जीते जी यहीं पर नरक का दर्शन होता है। गीता का छठा उपदेश यह है कि सब भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मेरी ही विभूति है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में कभी भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए या इस बात पर झगड़े फसाद नहीं करने चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। गीता का 7वां उपदेश ये है, सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार का नियम ही है, जो चीजें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं बाद में बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में हमें बहुत काम आती हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वो ईश्वर पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करता है। अनन्याश्चिन्तयो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम् अर्थात जो चीज नहीं मिली है उसकी प्राप्ति कराना उसका नाम योग है, और जो चीज जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा करना उसका नाम शेम है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझ पे डिपेंड हो जाते हैं उनको जो चाहिए वो मैं जरूर देता हूँ और उनकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है, कहां गए वो जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वो लोग कहां चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहां बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और ये हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना, हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश हमें ये सिखाता है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह अभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है
कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वो बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मोह इतना पेनफुल होता है जिसकी पीड़ा ना सह पाने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पे ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है, और ये ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसीलिए गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी में भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। गीता का 11वां उपदेश ये है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात ये संसार दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, जहां पर दुख मिलता हो। दुख तो यहां हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसीलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत का मतलब ही यही होता है कि यहां परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहां सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में यहां कभी भी कुछ भी बदल सकता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही हम परमानेंट हैं, ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज यहां पर परमानेंट है, क्योंकि ये संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, यहां सब कुछ बदलने वाला है, यहां कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। तो आपका दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा, इसीलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का ये उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और उसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो ये पक्की बात है वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है, अपने जीवन की हर समस्या से वो एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में ये विश्वास रखना कि गीता का ये उपदेश आपकी जिंदगी की हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा।